स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर आज से वायुसेना का हिस्सा, कई मिसाइलें दागने और हथियार के इस्तेमाल में सक्षम। नई दिल्ली, वायुसेना देश में रक्षा विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को सोमवार को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। यह बहुपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइलें दागने और अन्य हथियारों के इस्तेमाल में सक्षम है। LCH को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया है। इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल मंत्री की मौजूदगी में सेना को सौंपे जाएंगे। 5.8 टन वजन और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से कई बार हो चुका है हथियारों का परीक्षण। VR चौधरी की मौजूदगी की 5.8 टन वजन और 2 में LCH को जोधपुर इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से स्थित वायुसेना स्टेशन पर पहले ही कई हथियारों के होने वाले कार्यक्रम में शामिल इस्तेमाल का परीक्षण किया जाएगा, उन्होंने बताया जा चुका है। एजेंसी धूप से रखता है समानता। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS की बैठक में स्वदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपये में खरीद को मंजूरी दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 थलसेना के लिए होंगे। अधिकारियों ने बताया कि LCH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से समानता रखता है। रडार से बचने की विशेषता, इसमें कई में स्टील रडार से बचने की विशेषता, बख्तर सुरक्षा प्रणाली, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता है। हल्का होने की वजह से यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी पूर्ण क्षमता में मिसाइल और दूसरे हथियारों के साथ आराम से ऑपरेट कर सकता है हर मौसम के अनुकूल। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन हेलीकॉप्टरों में 45% स्वदेशी उपकरण है, जिसे बाद के संस्करणों में बढ़ाकर 55% कर दिया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर अधिक सक्रिय, गतिशील, एक्सटेंडेड रेंज ऊंचाई के इलाकों और 24 घंटे तैनाती, लड़ाई के दौरान सर्च और रेस्क्यू, दुश्मन के एयर डिफेंस पर हमला और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की भूमिका निभाने के लिए हर मौसम में मुकाबला करने में सक्षम है।